Hello and welcome, my dear students. So we are here again with this book Moments, and I am your English teacher Prakriti Kapoor. So we are going to the question and answer session of this chapter 2 of Moments, that is The Adventures of Toto of class 9. We have already covered the part 1 yesterday, and today we will cover the part 2. Okay. So let's start it. You must have written the two questions we have completed yesterday. So if you haven't done till now, take the screenshot and write it. Okay, this is question number 1, this is question number 2, and we will continue from the question number 3 here. Why does grandfather take Toto to Saharanpur, and how? Why does ticket collector insist on calling Toto a dog? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दादाजी टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए थे और कैसे ले गए थे. वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग. और जो टिकट कलेक्टर था, वहाँ टिकट कलेक्ट करने वाला व्यक्ति था, वो बार बार टोटो पीछे पड़ गया और इंसिस्ट करने लगा, टोटो को क्या कहने लगा कि टोटो बंदर नहीं एक डॉग है. टोटो को मंकी ना कंसिडर करके वो क्या कंसिडर कर रहा था, डॉग कंसिडर कर रहा था. तो क्यों ऐसा कर रहा था वो, हमें उसका रीज़न देना है. तो आंसर है टोटो डज नॉट अलाउ अदर एनिमल्स टू स्लीप, सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक टोटो टू सहारनपुर. क्योंकि टोटो नया नया जब उनके फैमिली जू में आया था, प्राइवेट जू में, तो वहाँ पर टोटो ने सबको परेशान कर रखा था. इतना ज़्यादा उसने सबको परेशान किया था कि सभी जानवर रात भर सो नहीं पाए थे. और दादाजी को पता था कि अगर वो उसको घर पर छोड़ के चले जाएंगे तो वो फिर पूरा दिन भी उनको परेशान करेगा. इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया था कि टोटो को अपने साथ में लेकर सहारनपुर जाएंगे. अब कैसे ले गए थे, हाउ का आंसर करना है हमें. अ बिग कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. तो एक बड़ा सा बैग, जो बड़ा सा एक कैनवस बैग था, उसमें टोटो को रखा गया था. वो उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए टोटो का घर बना था. तो आपको याद होगा, आपने स्टोरी सुनी होगी, मैंने आपको स्टोरी में बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया है. अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट एंड इट इज़ देयर इन द प्लेलिस्ट ओनली. तो क्लास 9 की मोमेंट की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में वो पड़ा हुआ है पार्ट वाइज. तो गो एंड विजिट इट इफ़ यू हैवंट विजिटेड येट. ओके. द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज अ डॉग एज ही हैड फोर लेग्स. तो टिकट कलेक्टर ने टोटो को मंकी ना बोलकर डॉगी क्यों बोला, डॉग क्यों कंसिडर किया, क्योंकि टोटो के फोर लेग्स थे और फोर लेग्स वाले सभी जानवर का चार्ज देना पड़ता है ना, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज. तो उसी के लिए उसने उसको मंकी को मंकी ना कह के डॉग कंसिडर किया था. इज दैट क्लियर? यस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज टोटो टेक बाथ. तो टोटो किस तरह नहाता था. वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस. उसने इस तरह नहाना कहाँ से सीखा था. हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉइल हिमसेल्फ अलाइव. और कैसे टोटो ने खुद को बिल्कुल उबलने, जिंदा उबलने की हालत में डाल दिया था. तो हमें बताना है कि टोटो ने नहाना किससे सीखा था और कैसे नहाता था. तो हम आंसर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का. टोटो टेक बाथ लाइक अ मैन. तो टोटो एक इंसान की तरह नहाता था, बिल्कुल ऐसे जैसे लोग इंसान नहाते हैं. ही हैड लर्न टू बाथ बाई सींग द नरेटर बाथिंग. तो किससे सीखा था उसने, जो नरेटर है, जो पोएम, जो स्टोरी लिख रहा है, उसी नरेटर से, ऑथर से इस मंकी ने नहाना सीख लिया था. ही टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विद हिज हैंड. क्या करता था वो, कैसे नहाता था वो. सबसे पहले पानी में हाथ डाल के टेम्परेचर चेक करता था कि पानी जो है ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा तो नहीं है. तो चेक करता था टेम्परेचर एंड देन स्टेप इन टू इट फॉर बाथ. उसके बाद ही उसके अंदर जाता था नहाने के लिए. वंस, एक बार क्या हुआ, वाटर वॉज केप्ट इन द केटल टू बॉयल फॉर टी. तो एक केटल में वाटर उबलने, पानी उबलने के लिए वाटर रखा गया था, चाय बनाने के लिए पानी उबल रहा था. टोटो गेट इन टू इट. तो टोटो को लगा कि शायद उसके नहाने का पानी है, उसने टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर सही था, तो टोटो उसके अंदर चला गया. ही केप्ट जंपिंग अप एंड डाउन एज अ वॉट एज द वाटर बॉयल. तो जैसे ही पानी गर्म होने लगा, उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो वो जंप करने लगा ऊपर नीचे, और वो लगभग उबल चुका था उसमें. ही वॉज पुल्ड बाई ग्रैंड मदर एज हाफ बॉयल्ड. तो उसको जब दादी ने देखा कि उबल रहा है, तो उसको आधा उबल चुका था, तो उसको वहां से बाहर निकाला. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग.
तो क्यों कहता है ऑथर ने, राइटर नरेटर ने ऐसा क्यों कहा है कि टोटो इस तरह का जानवर नहीं था कि उसे अपने साथ ज्यादा दिनों तक रखा जा सके। टोटो क्रिएट वन प्रॉब्लम आफ्टर द अनदर, क्यों कहता है ऑथर ऐसा? क्योंकि टोटो एक के बाद एक कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर दिया करता था। ही डजेंट लेट अदर एनिमल्स इन पीस, वो बाकियों को सुकून से जीने नहीं देता था, बाकी जानवरों को उसने दुखी कर रखा था। ही ब्रेक प्लेट्स, वो जो है प्लेट्स तोड़ देता था। टियर अप क्लोथ्स एंड कर्टेंस एंड वॉल पेपर्स, कपड़े फाड़ देता था, पर्दे फाड़ देता था, दीवार पे डेकोरेशन वाले वॉल पेपर्स को फाड़ फाड़ देता था। द नरेटर्स फैमिली वॉज नॉट वेरी रिच, और ये जो नरेटर है इसका परिवार बहुत अमीर परिवार नहीं था। एंड दे कुड नॉट बियर दिस लॉस, तो इस लॉस को बार बार बियर करना नरेटर के लिए बहुत डिफिकल्ट साबित हो सकता था उसकी फैमिली के लिए। सो द ग्रैंड फादर सोल्ड हिम टू बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज। इसीलिए दादाजी ने ये डिसाइड किया कि टोंगा ड्राइवर को हम वापस से टोटो भेज देंगे, और इस बार उन्होंने सिर्फ 3 रुपए में भेज दिया। खरीदा था कितने रुपए में? 5 रुपए में। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो ये 3 आंसर्स हैं, यू हैव टू राइट दीज आंसर्स इन योर कॉपी। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर्स, एंड यू शुड राइट इट वेरी क्लीनली, है ना? यू शुड, योर कॉपी शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।